बेटियों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे रसूल पाक की सुन्नत है, हर बेटी को उसका हक देना चाहिए। हर बंदे का हक बनता है वो अपनी बच्चियों को हिस्सा दे। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अरशद, हम टोवा टेस्किंग के रहने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ जे देखो ना, रसूल पाक की सुन्नत है, हर बेटी को उसका हक देना चाहिए। मैंने भी अपनी दो मेरे बेटे हैं, दो मेरी बच्चियाँ हैं, मैंने उनको उनका हिस्सा में जो बनता था उनको मैंने गिफ्ट कर दिया। एक बच्चे को मैंने मकान दिया और एक बेटे को साथ उसके मकान दे दिया। एक बच्चे को मैंने दुकान दे दिया ईट में और एक प्लाट दे दिया उसको मैंने, जो उनका हिसाब बनता था। एक बच्ची को मैंने दो दुकानें दी हैं 2017 में, उनका जो हिसाब बनता था मैंने अपनी बच्चियों को हिस्सा दे दिया। हर बंदे का हक बनता है वो अपनी बच्चियों को हिस्सा दे। मैं बहुत अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा, इंशाल्लाह आप सुकून में हो जाएंगे आप ना। नहीं, विरासत में हक देना बहुत जरूरी है। जो हम चार चीज़ें दे के कहते हैं बच्ची का हक दे दिया, वो चार चीज़ों देने से हक नहीं बनता उसका ना। हक जो बनता है, जो आपकी जो वारिस की जो है जायदाद उसमें से उसका हिस्सा बनता है, उसको हिस्सा देना चाहिए हर वालदैन को। ये बिल्कुल लोग गलत कह रहे हैं, यकीन करें आप। मेरी बेटी जो मेरे बड़े बेटे से छोटी बेटी है, वो मुझे दवाई देती है, मुझे वो सारे मेरे कपड़े इस्त्री करके देती है, सारा काम मेरी बेटी करती है। और मैं तो बहुत खुश हूँ बच्ची से, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे घर में ही रहती है, मेरे पास ही रहती है, मैंने फिर भी उसको मैंने हिस्सा दिया उसको, मैंने जो उसका बनता था उसका ना भाइयों में से। अगर जो जो सोते हैं ना, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत नहीं डालते अल्लाह मियाँ। वो इंसान दुनिया में भी घाटे में, आखिरत में भी इंशाल्लाह घाटे में रहेंगे वो। अल्लाह ताला ने बेटियों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे हर चीज़ अल्लाह ने मुझे नवाजी है अल्लाह ताला ने, मैं उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ। ताकि वो मेरे सारा मेरी बीमारी का मुझे देखभाल मेरी करते हैं, और बच्चे भी करते हैं लेकिन बेटी ज़्यादा करती है। हाँ जी, एक मैसेज दे दे उन तमाम वालदैन के लिए या उन तमाम खानदानों के लिए जो अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो उस माँ के लिए जिसकी वो बेटी पैदा हुई है उसका जीना हराम कर देते हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दें। ये उनको हरगज ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। जब देखो ना, बच्ची पैदा होती है उसी दिन अल्लाह की रहमत अल्लाह की नाजल हो जाती है। ये अल्लाह ताला की रहमत नाजल होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला बच्चियों की वजह से अल्लाह ताला सब कुछ देता है। अल्लाह ताला बच्चियाँ बहुत नसीबों वाली होती हैं, बहुत मतलब देखो ना, लड़के बाहर चल जाते हैं 100 ये खराबी ये वो करती हैं, बेटियां फिर भी अपने वालदैन को संभालती हैं बेटियां ना। मैं बेटियों से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहता हूँ मेरी जितनी भी मेरी ज़िंदगी है बेटियों के साथ मेरी गुजरे, मैं उनसे बहुत मुतमिन हूँ, बहुत खुश हूँ मैं उनसे। और बेटे भी मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरी बहुत कदर करते हैं, वो मेरा फरमादार हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो भी, लेकिन बच्चियाँ मेरी ज़्यादा करती हैं। बेटियाँ भी मेरी ना, जब उनके भी बेटियाँ हों वो उनको भी चाहिए अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखे, जिस तरह उनके वालिद ने उनका ख्याल रखा है, उनको उनके भी वालदैन को चाहिए वो अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखें, दीनी तलीम भी कराएं और दुनिया दूसरी तलीम स्कूल की भी जे वो कॉलेज जो भी है वो सारा उनको तलीम देनी चाहिए, दुनिया भी तलीम देनी चाहिए उनको। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।